इस लेक्चर में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हैं ISRO 2011 के। इसमें हम मैकेनिक्स और टॉम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम लेक्चर को ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आपका टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा वीडियो देखने में और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, या कोई क्वारी है तो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ISRO 2011 के टॉम के क्वेश्चन से। तो ये पहला क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 है, द टेंशन इन द केबल सपोर्टिंग अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड इज ट्विस्ट द टेंशन व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो उसमें टेंशन दुगना होता है उसके कंपेरिजन में कि जब लिफ्ट नीचे जाती है। तो देखिए समझिए, ये लिफ्ट है, एम जी हमेशा नीचे लगेगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टेंशन तो ऊपर ही लगने वाला है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे होगा। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी जब लिफ्ट ऊपर जाएगी। अब देखिए सेकेंड केस क्या होगा, टी तो इधर ही लगने वाला है और एम जी नीचे ही लगेगा, लेकिन जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो एक्सेलरेशन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये जाएगा टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। तो टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ए एम जी माइनस ए, इसको भी लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। अब देखिए जब लिफ्ट ऊपर जाती तो टेंशन दुगना होता, तो इसको कंपैरिजन करने के लिए इसको दुगना बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम ए प्लस जी इज इक्वल टू टू एम जी माइनस ए। तो हम इसको लिख सकते हैं एम एम इधर जाएगा, एम एम कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा थ्री ए इज इक्वल टू जी, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी बाय थ्री, यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा जी बाय थ्री, ये उसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि टेंशन ऊपर जाती है जब दुगना होता है तो नीचे आने को दुगना करके दोनों को कंपैरिजन करके तो जी बाय थ्री आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर याद रख लीजिए, जी बाय थ्री तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है बिल्डिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट कोइंसाइड विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स, तो क्या ये होगा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशनल, टॉर्सनल वाइब्रेशन या कपल टॉर्सनल वाइब्रेशनल, कपल बेंडिंग टॉर्सनल वाइब्रेशन। देखिए शाफ्ट होती है ऐसी, अब हम जानते हैं डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी, ओमेगा एन अपॉन ओमेगा का स्क्वायर माइनस वन, जब देखिए नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसकी बराबर हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन वन माइनस वन, यानी कि ई अपॉन जीरो यानी कि इन्फिनिटी, बाय इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि ये बाई डायरेक्शन में इन्फिनिटी जाती है, यानी शाफ्ट फेलर हो जाती है, यानी कि ये हो रहा है ना ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो रहा है ना कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन में, तो इसका आंसर होगा ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन नहीं होगा, टॉर्सनल वाइब्रेशन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल। यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप पीडीएफ सर्च कर लीजिए गूगल पे ISRO के, इस पर लिख दीजिए मैकेनिकल पीडीएफ, मैकेनिकल ISRO क्वेश्चन पीडीएफ फ्रॉम 2006 to 2016, तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ, तो आपको क्वेश्चन कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, गूगल पर सर्च कर लीजिए, ना ही किसी से मांगने की जरूरत है। देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू थ्री कॉस 0.25 पाई टी, वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें हमको टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, तो यहाँ पर रखते हैं 3 is equal to 3 cos 0.25 pi t, तो जाएगा 1 is equal to cos 0.25 pi t, तो cos 1 की वैल्यू हो जाएगी 0 is equal to 0.25 pi t, यानी कि t की वैल्यू आ गई 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा जब टाइम रहेगा 0। अब हम क्या करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जीरो ले लेते हैं, उस टाइम पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम जीरो ले रहे हैं, 0 is equal to 3 cos 0.25 pi t, तो यहाँ से आ जाएगा 0 cos 0.25 pi t। अब cos 0 होता है पाई बाई टू हम लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 होता है 90, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई टू इज इक्वल टू 0.25 pi t। अब क्या कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 0.25 into 2 is equal to t, यानी कि टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 2 सेकेंड,
देखिए जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा था टाइम आ रहा था जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट को हमने जीरो ले लिया तो टाइम आ रहा है 2 सेकंड, यानी कि इसका आंसर होगा 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया टॉम का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, ये है 30। मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि ढूंढने में टाइम बर्बाद ना हो। व्हेन अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट 300 मीटर पर सेकेंड एट द वेरी टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, द अपेरेंट वेट ऑफ द पैसेंजर इज 1/2 ऑफ द हर एक्चुअल वेट, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फ्लाइट पाथ एट दिस पॉइंट। मैं फिर से पढ़ता हूँ, अजेट यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, यहाँ पे प्लेन उड़ रहा है, तो ये वाली रेडियस हमको कैलकुलेट करनी सिंपल वे में। व्हेन अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इट इज द वेरी टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, द अपेरेंट वेट ऑफ द पैसेंजर इज 1/2 ऑफ द एक्चुअल वेट, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द फ्लाइट पाथ एंड जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अपेरेंट वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब उन्होंने दे दिया कि हमारा जो अपेरेंट वेट है डब्ल्यू डब्ल्यू बाय टू है डब्ल्यू का, और एम हम जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू रख सकते हैं डब्ल्यू बाय जी, तो यहाँ पर रख दीजिए डब्ल्यू बी स्क्वायर बाय आर जी, डब्ल्यू 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 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आर जी। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, क्या निकालना है इसमें, द रेडियस, रेडियस निकालना है तो हो जाएगा बी स्क्वायर 2b² अपॉन जी इज इक्वल टू आर, तो 2 इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर अपॉन 10, तो 2 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 18,000 मीटर। अब इन्होंने पूछा किलोमीटर में, तो हो जाएगा 18 किलोमीटर। तो इसका ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देखिए अपेरेंट वेट इज इक्वल टू टोटल वेट माइनस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है एम बी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा नहीं दिया तो पी की टर्म में हमने लिख दिया, और हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू बाय जी रख दिया सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको कैंसिल कर दिया, बाकी आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे ही आने वाला है जो कि होगा 18 किलोमीटर और 18,000 मीटर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू कार्स मूविंग, देखिए इसमें दिया हुआ टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद आ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर से दो कार मूव कर रही है एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर सेपरेट देम, एक कार यहाँ पे है एक कार यहाँ पे, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उनको सेपरेट करती है। इफ अ कार मूविंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन मीट दीज टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट इट्स स्पीड वुड बी, देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो 45 की दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है एक्स 10 और टाइम दिया हुआ है 6 मिनट, मिनट दिया हुआ है लेकिन ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया है ये किलोमीटर में दिया है, तो इसको भी हम आवर में कर लेते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि एक कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक कार इस डायरेक्शन में मूव रही है, एक कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो जिसकी स्पीड हमको पता करनी है, और सॉरी उन्होंने वो कार इस डिस्टेंस को यानी कि ये टाइम नहीं दिया, टाइम को वो कवर करती है 6 मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा 45 की स्पीड से तो ये घूम रही है और वो भी कुछ स्पीड से आ रही होगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी एक्स। अब इनके बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और ये कवर करती है 6 मिनट में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 110 में से 45 जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा आंसर। अब ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, आप चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए आंसर 55 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 32। When the rotating mass of a rim type, अब rim type क्या होगा,
रिम टाइप फ्लाई व्हील। अब रिम क्या होगा, यानी कि ये होगा, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यानी कि वो ये होगा mr स्क्वायर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ अ रोटेटिंग मास ऑफ अ रिम टाइप फ्लाई व्हील इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनदर रिम टाइप फ्लाई व्हील हुज मीन रेडियस इज द हाफ ऑफ द मीन रेडियस ऑफ द फॉर्मर देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द लेटर एट द सेम स्पीड विल बी। देखिए अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो कितनी होने वाली है, आई ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा एन, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला छोड़िए। अब आई इसमें दिया हुआ है, आई तो दोनों में कॉमन रहेगा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई कर देते हैं, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर इसमें E1 में और U2 E2 हो जाएगा एम आर बाय 2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरे बारे में जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो होने वाली है E1 इज इक्वल टू 4 अपॉन E2, यानी कि E1 इज इक्वल टू 4 टाइम E2, यानी कि सेकेंड बारे में जो एनर्जी स्टोर होने वाली है वो 1/4 रहेगी पहले वाले की एनर्जी के। तो इसमें दिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन, 1.5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन, सेम ऑफ द फर्स्ट वन एंड 1/4 ऑफ द फर्स्ट वन, तो ये 1/4 हो जाएगी E1/4 इज इक्वल टू E2, तो ये 1/4 ऑफ फॉर्मर हो जाएगी, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 43, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स विद अ मास m, चलिए मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, एक मास का ब्लॉक ये है, बड़ा m है और एक छोटा m है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, टू ब्लॉक विद मास m एंड m आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड आर रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस फ्लोर व्हेन द हॉरिजॉन्टल फोर्स f इज अप्लाइड ऑन द हैवियर ब्लॉक द एक्सेलरेशन टू द राइट फोर्स The blocks accelerate to the right, the force between the two blocks are. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं F is equal to होता है m plus m a, तो ऐसे acceleration की value आ जाएगी F m plus m। अब इनका separate diagram बनाएं, तो यहाँ से F force लग रहा है और इस पे लगेगा समझ लीजिए F1, तो इसकी reaction के कारण इस पे भी लगेगा F1, तो F1 is equal to हो जाएगा m a, क्योंकि छोटे का acceleration होगा और एक्सेलरेशन की हम वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि होगा एफ एम प्लस एम, यही इसका फाइनल आंसर होगा। इनके बीच में इतना ही फोर्स लग रहा होगा जो कि होगा स्मॉल एम बाय एफ बड़ा एम और बिग एम और कैपिटल एम टू स्मॉल एम, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इसरो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन कई सारे मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 59, the number of degree of freedom of the five link plane mechanism with five revolute as shown in figure। देखिए ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये फिक्स है 1 2 3 4 5, ये जॉइंट है रोटरी, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का फाइनल फॉर्मूला होता है 3L-1-2J, जहाँ पे L होती है लिंक, J होते हैं जॉइंट, तो लिंक कितनी है 1 2 3 4 5, तो लिंक हो जाएगी 3 5-1-2, जॉइंट कितने 1 2 3 4 5, यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा 4 12 -10 = 2, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब क्या है, हमको इनपुट पे दो लिंक पकड़ने पड़ेंगे इस अनकंस्ट्रेंट चेन को कंस्ट्रेंट चेन में कन्वर्ट करने के लिए। जिस भी मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है वो कंस्ट्रेंट चेन रहती है, जिसकी एक से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट करने के बाद हम ये पता कर लेते हैं कि इस अनकंस्ट्रेंट चेन को हम कंस्ट्रेंट चेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लीजिए, इनपुट पे उतनी लिंक को कब मतलब कंट्रोल कर लीजिए, तो आपका जो डिजायर आउटपुट है वो मिल जाएगा। एक और इसमें लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 40, ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मुझे अभी तक नहीं मिला था। तो इसमें दिया हुआ था द मास ऑफ द क्यूब विद एज ऑफ लेंथ बी अबाउट एन एक्स पासिंग थ्रू एन एज। देखिए
इसमें डी वो पूछा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया ऑफ इनर्शिया। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, पहला ऑप्शन था एम बी स्क्वायर बाय टू, सेकंड ऑप्शन था एम बी स्क्वायर बाय सिक्स, थर्ड ऑप्शन था थ्री एम बी स्क्वायर बाय टू और फोर्थ ऑप्शन था टू एम बी स्क्वायर बाय थ्री, टू एम बी स्क्वायर बाय थ्री। तो देखिए इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं टी एम इज इक्वल टू होता है रो डी बी, और इसको हम लिख सकते हैं रो डी एक्स डी वाई डी जेड। ये हमने क्या लिख दिया, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम लिख दिया। अब हम जानते हैं कि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये होगा जीरो से बी, जीरो से बी इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका फिक्स फॉर्मूला तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, प्लस बाय स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जेड की टर्म एक आ जाएगी, तो ये हो जाएगा जीरो से बी, जीरो से बी एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, और जेड का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बी, बी आ जाएगा। अब क्या करिए आप बाय को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से बी, जीरो से बी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय प्लस बाय क्यू डिवाइड बाय थ्री इंटू बी, और यहाँ पे बचेगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे जीरो से बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी बाय है यहाँ पे भी बाय है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय थ्री, इस बी को मैंने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा बी, आफ्टर द वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा बी जीरो। इसको मैंने b को बाहर ले लिया तो b स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक b बाहर था, तो यहाँ पे b स्क्वायर बचेगा और ये क्यूब बचेगा और ये बचेगा dx। अब देखिए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा x का हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे होने वाला है b स्क्वायर बाय 3 x प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी जीरो। रो तो साथ में चल ही रहा है, रो मैंने शायद कट कर दिया, सॉरी एरिया का डिस्प्लेसमेंट करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो रो तो साथ में चल नहीं पा रहा है, रो को तो आप भूल नहीं मत क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने मास को लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो बी क्यू डिवाइड बाय थ्री प्लस बी क्यू डिवाइड बाय थ्री प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो b होने वाला है रो बी क्यूब टू बी क्यूब डिवाइड बाय थ्री, थ्री इंटू बी स्क्वायर। अब रो बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं टू रो इंटू वॉल्यूम बाय थ्री बी स्क्वायर, क्योंकि रो बी हो जाएगा वॉल्यूम और रो बी बी हो जाएगा वॉल्यूम और रो बी हो जाएगा मास, तो यह जाएगा टू बाय थ्री एम बी स्क्वायर जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो यह जाएगा इसका एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। देख लीजिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएम को लिख सकते हैं रो डी बी, ये क्वेश्चन इसलिए मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट में पीछे आ रहा था लेकिन मैंने सोचा कि इसको इंटीग्रेशन है इसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसलिए मैंने लास्ट में ले लिया। डीएम इज इक्वल टू होता है रो डी बी, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड क्योंकि क्यूब दिया हुआ है। अब क्यूब दिया हुआ है तो उसकी जो सारी एजेस होने वाली है एजेस सारी इक्वल होंगी क्योंकि वॉल्यूम होता है एक क्यूब, तो सारी एजेस इक्वल होने वाली है, इसे हम जीरो से बी जीरो से बी जीरो से इन टर्म ऑफ विड्थ ले लिया क्योंकि उन्होंने इन टर्म ऑफ विड्थ पूछा है, ठीक है। अब रो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर क्योंकि एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो दो डायरेक्शन में होगा, या फिर आप ये करिए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दीजिए बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दीजिए। तो हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर कर लिया और डी एक्स डी वाई डी जेड कर लिया। जब इन टर्म ऑफ जेड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा डी एक्स डी वाई और b आ जाएगा, इसके बाद b का कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा dx और यहाँ पे लास्ट में dx का करेंगे तो आखिरी में जो आने वाला है 2 by 3 mv square, तो यही होगा इसका आंसर, यानी कि इसका जो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है क्यूब का, ये आप याद रख लीजिए क्योंकि आपको कहीं सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा, तो ये होता है 2 by 3 mv square जो कि इसका फाइनल आंसर होगा।
इसलिए मैं सारे क्वेश्चन लास्ट में ले लेता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर जो आए नहीं हुए होते हैं। सारे लेक्चर में मैंने यही किया, तो आप इसको याद रखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और अभी हम सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सभी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गेट, ईएस, इसरो, जेई, बार्क, सभी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।